ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको खबर बताई थी कि किस प्रकार से जो है उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 के घोल मैदान परिसर में, जो कि हमारे शहर में अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो वहां पर जो वाइन शॉप है जिन्हें परमिशन तो दी गई है लॉकडाउन के दौरान व्यवसाय करने की, लेकिन परमिशन यह है, शर्त यह है कि आपको जो है होम डिलीवरी करनी है। लेकिन शहर की कई जगहों पर अब भी ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कि वाइन शॉप में जो है वाइन शॉप के बाहर से ही डिलीवरी दी जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर भीड़ हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी हो रहा है। ऐसे में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 के एक वाइन शॉप में भी जो है कार्रवाई हुई थी, और ऐसी कार्रवाई के लिए भी प्रशासन ने कहा था कि गलतियां की जाएगी तो और भी जगह कार्रवाई हो सकती है। ऐसे नज़ारे जो है शहर के कई इलाकों में नज़र आ रहे हैं, जहां पे अब भी लोग जो है दुकानों के बाहर से डिलीवरी दे रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, ये एक शहर है, व्यावसायिक शहर है, यानी कि व्यापारिक शहर है, तो यहाँ पे आप व्यवसाय करें, लेकिन इस समय जो कि महामारी का समय चल रहा है, जो कि नियम है, कायदे हैं, कानून है, उसका उल्लंघन ना करें, क्योंकि अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो लगातार संक्रमण के जो मामले बढ़ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं आप भी शिकार हो सकते हैं। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि आप कितने रिस्क लेकर जो है इस तरीके का व्यवसाय कर रहे हैं। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, इस तरीके का व्यवसाय करते हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका खामियाजा आपके घर के बुजुर्गों को कितना भुगतना पड़ेगा। तो हम यही कहते हैं कि शहर के नागरिकों से, शहर के व्यापारियों से, नियमों का उल्लंघन ना करें, जो नियम है उनका पालन करें, व्यवसाय करते समय सतर्कता बरतें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।